आपारो आक्रोश सरकार रे प्रति है और सरकार आपा मांग कर रहा है कि हर एक आदमी ने संविधान और राज से नियुक्ति मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी जो 50 लाख मृतक को आप 50 लाख घायल उसको 25 लाख और एक परिवार से सरकारी नौकरी वो आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में माइक था। जोधपुर के भूंगरा गांव में हुए अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों के घाव पर मरहम लगाने आए थे। शेखावत जी बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री भाटी को गुस्सा आ गया। भाटी खड़े हो गए और नाराजगी भरे लहजे में कहने लगे कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, मुद्दे की बात करो। भाटी का गुस्सा देख गजेंद्र सिंह भी बगलें झांकने लगे। इसके बाद जोधपुर अग्निकांड के पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी ओर से 51 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री का गृह जिला, सिलेंडर ब्लास्ट में 34 लोगों की जान चली गई। लेकिन जब अशोक गहलोत के मंत्री, विधायक और अधिकारी राहुल गांधी की आवभगत में ही जुटे रहे तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी पीड़ित परिवारों की आवाज बनकर उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए डट गए। कमिश्नर के दफ्तर में घुस गए और उन्हीं के सामने जिला कलेक्टर को ऐसी फटकार लगाई कि कलेक्टर का तो मुंह ही सिल गया, कमिश्नर साहब की भी बोलती बंद हो गई। ये क्या बात है, ये जवाब दे रहे हो आप मिनिस्टर को कि मैं अस्पताल में देखूं वहां जाऊं, जैसे आप अपना कोई प्राइवेट टाइम पास भी नहीं करते। इन दिनों में 7 दिन में आपने कुछ नहीं किया होगा, धमकी देते मतलब मैं हूं ना पास में, ये तो बाबू सिंह जी थे, मजाक समझ रखी है आपने। ऐसे ऐसे आदमी मतलब सारे के सारे परिवार खत्म हो गए, पीछे रोने वाला नहीं है। आपने अब तक क्या उसे नहीं किया जो एक भाई बच गया, 4 आदमी गांव वाले बैठे हैं पास में, वो कह रहा मैं फांसी खाऊंगा, मैं किसके लिए जीऊं? आपने उसकी भी सुध नहीं ली। ये आपका मानव हृदय है नहीं, पत्थर हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। इधर भाटी अपने तमाम समर्थकों के साथ जोधपुर अग्निकांड के पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे तो इस मुद्दे पर बीजेपी भी अपनी सियासत चमका रही थी। ये सब कुछ देख अशोक गहलोत सरकार का भी ध्यान इधर आ ही गया। आनन फानन में सरकारी मुआवजे की घोषणा कर दी गई, क्योंकि भीड़ जिस तरह से सीएम के गृह जिले में सैलाब की तरह उमड़ रही थी उसे देख गहलोत सरकार के माथे पर भी पसीना आने लगा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में जिला कलेक्टर के बाद हजारों की तादाद में लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। आप देखिए किस तरीके से जो जोधपुर, बाड़वाड़, बीकानेर और जबरदस्त तरीके से लोग आए हैं, पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काले झंडे लेकर आए हैं इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान की गहलोत सरकार का पिछले 5-7 दिन से रवैया रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से कोई भी मंत्री हो या विधायक हो वो उन परिवारों को सांत्वना देने नहीं पहुंचाए, और इसी के लिए आप देखिए इन लोगों की ये मांग है कि 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस को बार बार समझाइश करनी पड़ रही है, जो युवा है वो काले झंडे लेकर आए हैं। छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी भी युवाओं की भीड़ लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके थे, सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। आखिरकार सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। आप सोचो कि जदे प्रदेश रा मुखिया खुद फोन करे के कि हूं थाना भरोसा दिया, हूं थाना वादो करे जाऊं, थारी बात पूरे तरीके में राखी, तो मैं पूरी उम्मीद है जो बाबू सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, परम आदरणीय देवी सिंह जी साहब और जो बात करे आया है वो सो आना सही बात है। एक मिनट, कई सारा जो साथी है की वह की घना भाई यहाँ पे सबारा आपो आपरा विचार वे मारी खुदरी, अगर वो बात करा तो देवी सिंह जी, बाबू सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी और तमाम जो तो जनप्रतिनिधि जिता भी अपना नेतृत्व करने वाला गया था, मिना हुआ माते पूरा भरोसा है कि वो अगर कोई बात करे आया है तो खरी चिट्टी लाठी बात करे आया है। वे पीड़ित परिवार ने वास्ते यहाँ 9 घंटा चुको ड्रिलिंग करी है, वो कोई सफा इंच को नहीं करी, पूरे तरीके हम ठोक बाजार बात उगीज का कर आया है और वो विश्वास है बेड़ो कह सका। बाबू सिंह जी भी आए थे, उमेश सिंह जी भी आए थे, हूँ भी आए था, गोपाल सिंह जी भी आए थे और तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है वो भी आप सबारे पिछवी ना है। और
पीड़ित परिवार ना जे तो इया सबारी मेहनत री बदलत अपा कहीं कौन करियो है तेन मैं तो ए बीटा अपा नारा लगाया अपा भाषण दिना है पर वाकई जो को खींचतान करिया हो इया सबा करी जो को मेहनत करिया हो इया सबा करी और मना इया री मेहनत माते भरोसो है मारे इता समाज रा जो को कोहिनूर मीना जार आया है तो वे पीड़ित परिवार वास्ते सही तरीके मीना और उचित पैकेज ले रहा है क्या ये चीज में ते सहमत हो को नहीं हो जोर भी बोलो थाना देवी सिंह जी माता भरोसो है को नहीं है थाना बाबू सिंह जी माता भरोसो है को नहीं है थाना अमित सिंह जी माता भरोसो है को नहीं है थाना पुष्पेंद्र सिंह जी माता भरोसो है को नहीं है तो भरोसो अपन सबा ना है तो यारी बात ना अपन हमेशा सिर माथे रखनी है। भूंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिजनों को 17-17 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। संभागीय आयुक्त के मुताबिक मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए, चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए गैस कंपनी की ओर से और 6 लाख रुपए गैस कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मृतकों के परिवारों को मिलेंगे। वहीं घायलों को 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेंगे। इसके अलावा भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी ओर से 51 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि 7 करोड़ से भी ज्यादा की क्राउड फंडिंग हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों के एक एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। राहुल गांधी की जिस तरीके से सरकार आभगत कर रही है उसी को लेकर युवाओं में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत राहुल गांधी की आभगत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों की तादाद में उन्हीं के गृह जिले में युवा सड़कों पर है। दिनेश बोरा, जोधपुर, राजस्थान तक।